गाइस कभी ऐसा हुआ है क्या आपके साथ जब आप साइकिल को अपनी चला रहे हो एक हाई स्पीड के ऊपर एंड कोई बेवकूफ सा इंसान अपनी गाड़ी या फिर अपनी मोटरसाइकिल को आपके सामने से ओवरटेक करता हुआ आपके सामने आके ब्रेक लगा दे, आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ रही है एंड आप उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रहे, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो एंड गाड़ी या बाइक वाले आपको नोटिस ही नहीं कर रहे, या फिर ऐसा कि जब आप किसी क्राउडेड जगह पे साइकिल चला रहे हो एंड सामने वाले आपको जगह नहीं दे रहे हैं, तो इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है एक हॉर्न का या फिर एक बेल का प्रेजेंट होना। अब बेल को तो मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, अब बेल इतनी ज्यादा लाउड नहीं होती कि भाई गाड़ी बाइक वालों को आपकी आवाज आए। अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है या फिर हाईवे पे अपनी साइकिल को चलाना है तब आपके पास होना चाहिए एक हॉर्न। एंड इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास आ चुके हैं भाई काफी सारे हॉर्न एंड इस वाली वीडियो में मैं इन सारे हॉर्न को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। एंड इस वीडियो के पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड अब सीधा इस वाली वीडियो में बढ़ते हैं। अगर आपको Amazon से कोई भी चीज परचेज करनी है चाहे वो साइकिल से रिलेटेड है या फिर आपका कोई घर का सामान है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा Amazon का बाइंग लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, उस लिंक को प्लीज यूज कर लेना। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारे हॉर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये सारे हॉर्न्स भाई 200 से 300 की रेंज में ही रहने वाले हैं। इससे ज्यादा एक्सपेंसिव एक हॉर्न को लेने जाने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये सफिशियंट बजट है, इससे ज्यादा एक हॉर्न के ऊपर खर्चने की आपको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो हॉर्न के बारे में बात करेंगे एंड ये वो हॉर्न है जिसको मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए भाई मैंने 250 रुपए स्पेंड करे एंड मैं ये रिग्रेट कर रहा हूँ इसके ऊपर पैसा डालना, क्योंकि भाई बहुत बकवास है ये। सबसे पहले तो मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग भाई इतनी बेकार है, जो बाकी हॉर्न्स आए हैं भाई उसके जो ब्रांड है उन लोगों ने भाई इतनी अच्छी पैकेजिंग दे रखी है, बट इसके लिए भाई सिर्फ एक बेकार से गद्दे के अंदर ये आया था, करने के लिए अटैचमेंट आती है उसके लिए भाई इन लोगों ने नट भी नहीं दे रखा है एंड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइड भी नहीं कर रखी कि किस तरीके से इसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला भाई नेगेटिव तो यही है इसके बारे में। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चलता कैसे। इसके अंदर बेसिकली गाइस जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर आपको सेल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इसमें डबल ए बैटरीज जाएंगी। ये डबल ए बैटरीज भाई इस लाइट के साथ इंक्लूडेड नहीं है, इसे आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा एंड ये रिचार्जेबल वाली चीज नहीं है, इसमें आपको सेल डाल के इसको चलाना पड़ेगा। इसका सेकेंड एंड सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये कि वो जो बैटरी है ना, जो सेल है वो भाई टिकता ही नहीं है, अटकता ही नहीं है, वो बार बार भाई निकलता रहता है। उसको अगर आप फिक्स करने चाहोगे वो फिक्स ही नहीं होगा, उसे आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। इस वजह से जब आप इसको भी लॉक करना चाहोगे ना, हॉर्न को लगा सेल को लगा के जब आप इस चीज़ को भी लॉक करना चाहोगे वो लॉक ही नहीं होगा, अभी तो इसमें सेल नहीं है इस वजह से हो जा रहा है, बट अगर आप इसमें सेल डालते जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये चीज़ भाई लॉक ही नहीं होगी। तो इसमें एक स्विच आपको देखने मिलेगा जिसमें चार बटन आपको देखने मिलेंगे, इन चारों ही बटन में भाई अलग अलग साउंड है। अब इसके आप एक बार साउंड सुन लो, एंड हाँ भाई जब आप इन बटन्स को प्रेस करते हैं तो जो इसकी लाइट है ये भी जलती है, जो कि मेरे हिसाब से भाई इतना ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं है जब आप साइकिल चलाओगे अंधेरे में। भाई जब आप अर्ली मॉर्निंग राइड करोगे एंड आप इसे चलाओगे तब भाई सारे लोग आपको देखेंगे एंड ये भाई इतनी अच्छी दिखती नहीं है, बच्चों वाला खिलौना लगती है, छोटे बच्चों की जो साइकिल्स में होता है ये वैसा दिखता है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट को तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब जो नेक्स्ट हॉर्न है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये वाला हॉर्न भी आपको Amazon या फिर Flipkart में देखने मिल जाएगा। ये हॉर्न भाई इनका कुछ नाम नहीं है, ये जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको काफी सारे ब्रांड से सेम प्रोडक्ट देखने मिल जाएंगे। जो ये हॉर्न है ये वाले हॉर्न के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें साइरन लिखा हुआ है कि इसको साइरन बोलते हैं। अब इसके लिए ना गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा तामझाम आपको करना पड़ेगा, बट इसकी एक अच्छी चीज़ है होने को इसमें बैटरी ही लगती है, बट बैटरी जो है वो इस फोन के साथ इंक्लूडेड है, आपको इसके अंदर ही देखने मिलेगी। सबसे पहले इसमें दो स्क्रू दे रखी है अंदर पे, इन स्क्रूज को आपको अनस्क्रू करना है, ये सारा चीज़ मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा। इसको जब आप अनस्क्रू करोगे अंदर आपको बैटरी रखी हुई देखने मिलेगी, ये सील पैक बैटरी है, इसको आपको खोलना पड़ेगा एंड फिर इसको इसके जो स्विचेस हैं उसमें लगाना पड़ेगा एंड फिर जब आप इसे चलाओगे तब आपको ये जो रेड कलर का बटन है ना इसे जब आप प्रेस करोगे तब ये हॉर्न में आपको साउंड सुनाई देगी। अब जो ये हॉर्न है ना ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है, इसमें यहाँ पे मेंशन करेगा कि 140 डेसिबल्स का आपको देखने को मिलता है एंड हॉर्न के लिए गाइस डेसिबल्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जितना ज़्यादा डेसिबल्स उतना ज़्यादा वो हॉर्न लाउड होता है, बट इस रेंज के जो भी आप हॉर्न्स लोगे वो मैक्सिमम 140 डेसिबल्स के ही आपको देखने मिलेंगे। बट इसका भी एक कॉन है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा होने को, साउंड वाइज एक बार आप इसकी साउंड सुन लो।
मेरे को इसके साउंड काफी ज्यादा अच्छे लगे, काफी ज्यादा मोड्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। इस वाले सायरन को भी हमने हार्डवेयर के ऊपर फिक्स करने में भाई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती, काफी इजी टू इंस्टॉल प्रोडक्ट है। बट इसका एक कौन है वो ये कि जब मैं भाई इसको बैटरी निकाल के चला रहा था ना, तब तो भी बहुत बढ़िया चल रही थी, बट जैसे ही मैंने इसको अंदर इसको बैटरी को पैक करा एंड मैंने इसमें स्क्रू लगाए एंड फिर इसको चलाने की कोशिश, तब ये बजना बंद हो गया एंड उस टाइम भाई ये खराब हो गया। अब ये काम ही नहीं कर रहा है, इसमें साउंड ही नहीं आ रही है। कुछ इसकी तार हिल गई है या फिर बैटरी की वजह से शॉर्ट आउट हो चुका है, आई हैव नो आइडिया भाई रिगार्डिंग दिस। ये जो प्रोडक्ट है यह काम नहीं कर रखा है, इस वजह से इस प्रोडक्ट की तरफ आप जा सकते हैं। अगर कुछ खराबी आ जाए अमेजोन में भाई रिटर्न का ऑप्शन है, इसे आप रिटर्न कर सकते हैं। इनको ये नहीं पता है भाई कितने लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोडक्ट यूज हो सकता है, सिंस मेरा भाई अनबॉक्स करते ही खराब हो गया। इसकी रिलायबिलिटी के बारे में मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता हूं। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये वाला जो हॉर्न है ना, ये बेसिकली लिस्टा ब्रांड का हॉर्न है। अब ये वाले हॉर्न ना आपको सेम प्रोडक्ट काफी ज्यादा अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, बट इसका पर्टिकुलर जो काम है ये सिर्फ एक हॉर्न की तरह काम करता है। इसके लिए भाई मैंने 360 रुपीज पे करे हैं। अब क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं, मेरे हिसाब से भाई ये वर्थ इट प्रोडक्ट नहीं है, सिंस ये एक बैटरी को यूज करता है। इसके अंदर आपको 3 AAA बैटरी डालनी पड़ेंगी। इसकी पहले आप अनबॉक्सिंग देख लो। अब जैसे जैसे मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ ना, इसके अंदर भाई ये कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें ही आपको ये जो ब्रांड है स्क्रू ड्राइवर भेज रहा है, उसके साथ एक माउंट भेज रहा है जिससे आप अपने हैंडल बार के ऊपर इसे फिक्स कर सकते हैं एंड ये हॉर्न आपको देखने मिलेगा। अब इसका जो सबसे बड़ा कॉन मेरे को लगा है वो ये कि इसमें भाई बैटरी फिट होती है। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में अभी तक बैटरी ही फिट होती है, इसमें तीनों ही प्रोडक्ट इससे ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं। बट मैं ये बोलूँगा भाई ये होने को यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 140 डेसिबल्स का, इसकी जो साउंड है ना ये इस वाले साइरन से काफ़ी ज़्यादा लाउड है ये वाली। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस फोन का एंड एक बार भाई मैं इसे अपने हैंडल बार के ऊपर भी इसे फिक्स करके आपको दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर भी आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से भाई लाउडनेस वाइज तो काफी ज्यादा लाउड है ये वाला फोन, बट इसको भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये तो मेरे को ग्रीन कलर का देखने को मिला है, बट जब मैंने इसे ऑर्डर करा था भाई वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा था कि ये ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट है एंड मैंने इनके रिव्यूज भी चेक कर रखे हैं। लोगों ने जोन सा उनको प्रोडक्ट चाहिए ना, जोन से कलर का प्रोडक्ट चाहिए वो उनको नहीं मिला, उनको भाई एज असॉर्टेड प्रोडक्ट मिला है, मतलब जोन सा उनके पास अवेलेबल है ब्रांड के पास उसमें उन लोगों ने वही उनको लोगों को भेज दिया है। तो ये चीज हो रही है भाई इधर। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एंड द लास्ट प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट है जिसको मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करने वाला हूँ। अब वो क्यों करने वाला हूँ, सबसे पहला रीजन उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है इस प्रोडक्ट की तरह, ये मेरे को 360 रुपये के आसपास का पड़ा है एंड जो वो वाला प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट भी भाई मेरे को 360 रुपीज का पड़ा है। अब ये वाला प्रोडक्ट मैं इतना ज़्यादा क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है, इसमें आपको हॉर्न भी देखने मिलता है एंड एक लाइट भी देखने मिलती है। अब जो लाइट है इसमें 3 मोड्स देखने मिलते हैं जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, बट इसके साथ ही साथ ना ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये एक रिचार्जेबल प्रोडक्ट है, इसमें सेल नहीं लगते हैं, जो कि भाई एक किलर डील है इस प्राइसिंग के अंदर एक लाइट एंड एक हॉर्न के साथ होना, वो भी रिचार्जेबल। इस वाले प्रोडक्ट में बेसिकली आपको 3 लाइट के मोड देखने मिलेंगे, इसमें क्लेम करते हैं कि 250 लुमेंस की चलती है एंड एक लो वाला मोड जिसमें मेरे हिसाब से वो अराउंड 150 या 100 लुमेंस की चलती है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लाइट मैंने यूज करी है। इसकी जो लाइट है जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं ना, काफी ज्यादा भाई वाइड है, ये काफी ज्यादा पावरफुल लाइट मेरे को लगी है। एक पर्टिकुलर तरफ में आप इस लाइट को फोकस कर सकते हैं, जो कि अगेन एक अच्छा पॉइंट है इस लाइट के लिए एंड यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये वाटर प्रूफ लाइट है, जो कि अगेन एक काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है। अब ये जो लाइट एंड हॉर्न का कॉम्बिनेशन है, इसके जो हॉर्न है ना इसके भी मैं आपको मोड्स को एक बार सुना देता हूँ। गाइस ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लाउड लगा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मोड्स भी है एंड लाउड भी है, तो इसको मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ।
एंड वही है भाई, पसंद आए तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। वीडियो कहीं पे पसंद आई हो प्लीज उस वीडियो को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो नोटिफिकेशन की बेल को भी आप दबा सकते हैं। मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसी साइकिलिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूं। उसके लिए आपको बस एक काम करना पड़ेगा, वो है नीचे कमेंट सेक्शन में को बताना। एंड इतनी ज्यादा वीडियो पसंद आ गई तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी अपनी साइकिलिंग से रिलेटेड पोस्ट डालते रहता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। एंड दैट इज इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे थे गाइस स्टार्टर पंकज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about.